जैसे जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स पर धड़ल्ले से वेब सीरीज बननी शुरू हुई है, वैसे वैसे कुछ अंडररेटेड लेकिन अच्छे कलाकार को भी काम मिलना शुरू हो गया है। ये वेब सीरीज दरअसल आईपीएल की तरह है, जहां छोटे छोटे शहरों के खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका मिल रहा है। उसी प्रकार से इन वेब सीरीज के आने के बाद वो एक्टर्स जो फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स करते थे या क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल्स में काम किया करते थे, जो टैलेंटेड होने के बाद भी बड़े मौके की तलाश में रहते थे, उन्हें वेब सीरीज पर अच्छे रोल्स मिल रहे हैं और अपने टैलेंट को सही प्रकार से ऑडियंस के सामने लाने में वो कामयाब हो रहे हैं। आजकल वेब सीरीज लोगों को खूब भा रही है। बड़े एक्टर्स की वेब सीरीज का प्रमोशन अच्छे लेवल पर होता है, सीरीज में अच्छा खासा पैसा लगा होता है, तो लोग एटलीस्ट उन्हें तो मिस नहीं करते। जिन्हें वेब सीरीज पसंद है, उन्होंने सेक्रेट गेम्स, मिर्जापुर, असुर और ब्रेथ, इस तरह के तमाम वेब सीरीज वो देख चुके होंगे। लेकिन आज हम कुछ अच्छी लेकिन अंडररेटेड क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की बात करेंगे, जिन्हें उस तरह की प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जैसा कि उन्हें मिलनी चाहिए। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। इस लिस्ट में सबसे पहले हम जिस वेब सीरीज की बात करेंगे उसका नाम है अभय। कुणाल खेमू, दीपक तिजोरी और अंशुमन झा जैसे एक्टर्स इस वेब सीरीज का हिस्सा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वेब सीरीज में काफी सारा वायलेंस देखने को मिलता है, लेकिन अब अगर आप थ्रिलर कहानियां पसंद करते हैं वो भी वेब सीरीज में, तो जाहिर सी बात है वायलेंस से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके एपिसोड्स कुछ बेहद पॉपुलर रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड हैं, जिसमें से एक था नोएडा का निठारी कांड। कुणाल खेमू के अलावा बाकी के एक्टर्स का भी शानदार काम है। इसका स्क्रीन प्ले काफ़ी एंगेजिंग है, मतलब कहीं पर भी उबासी लेने जैसी फील नहीं आएगी। हर एक एपिसोड के लास्ट के कुछ मिनट में जिस प्रकार से षड्यंत्र के खुलासे होते हैं वो आपको पसंद आ सकता है। इसे बेस्ट थ्रिलर वेब सीरीज तो नहीं कह सकते, क्योंकि कहानियां रियल इंसिडेंट पर होने के बाद भी कुछ एपिसोड्स रियल नहीं लगते, कई जगह फिल्म डार्क लगती है। लेकिन अगर आप बड़े नामों वाले सारे सीरीज देख चुके हैं तो ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। आगे बात करेंगे वेब सीरीज 13 मसूरी की, जो कि एक मिस्ट्री थ्रिलर है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि फिल्म बेस्ड है वादियों के बीच मसूरी में। इस वेब सीरीज में सीरियल मर्डर, चूहे बिल्ली वाली धड़पकड़ और एक अननोन कातिल की तलाश, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। हम हमेशा कहते हैं कि थ्रिलर मिस्ट्री कहानियों में लोकेशंस की बहुत अहमियत होती है। स्पेशली अगर बर्फीले पहाड़ों के बीच कहानी घूमती है तो ऊंची पहाड़ियां, वहां का मौसम, ये सब चीज़ फिल्म के थ्रिल में एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करने का काम करते हैं। इस वेब सीरीज के लीड रोल में है श्रिया पिलगांवकर, विरफ पटेल और नावेद असलम। कहानी में लगातार मर्डर्स होते रहते हैं, लेकिन उसके लिए किसी तरह के सस्पेंस या थ्रिल मोमेंट्स का सहारा नहीं लिया गया है। एक सिंपल वे में हत्या हो जाती है, लेकिन क्लाइमेक्स आते आते कुछ शॉकिंग चीज़ें सामने आती हैं। कई उन सवालों के जवाब मिलते हैं जो पूरे सीरीज के दौरान कई बार आपके मन में आते रहे थे। एक्टिंग की बात करें तो एक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्प्रेस तो नहीं कर पाते, लेकिन फिर आपको कोई बी ग्रेड वाली फिल्म जैसी फील भी नहीं आएगी। मर्डर मिस्ट्री पसंद करते हैं तो ये वेब सीरीज आपको पसंद आ सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑल्ट बालाजी पर प्रदर्शित वेब सीरीज अपहरण। इस सीरीज में आपको थ्रिल, सस्पेंस, एक्शन सब कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये वेब सीरीज पॉपुलर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से इस सीरीज का ट्रीटमेंट किया गया, जिस प्रकार का जबरदस्त स्क्रीन प्ले है, वो इस वेब सीरीज को सेक्रेट गेम्स और मिर्जापुर की कैटेगरी के आसपास जरूर रखती है। लेकिन इसे वैसी प्रसिद्धि नहीं मिली जैसा सेक्रेट गेम्स या इस लेवल की वेब सीरीज को मिला है। इसका एक रीजन ये भी कह सकते हैं कि वेब सीरीज का जादू आम भारतीय लोगों पर 2019 में चढ़ना शुरू हुआ और अपहरण 2018 की कहानी है। आज की बात करें तो नॉर्मल वेब सीरीज को भी बड़ी तादाद में लोग देखते हैं, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पर अब लोगों का जमावड़ा 2018 के मुकाबले कहीं ज्यादा है। खैर, कहानी है एक पुलिस वाले की जो बहादुर है और अपने काम में ईमानदार है, लेकिन पास्ट में की गई उसकी एक गलती उसके वर्तमान तक को खराब कर चुकी है।
उसकी वर्दी छिन चुकी है और ऐसे में जब उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है तो उसके पास एक इलीगल काम आता है जिसे वो पैसों के कारण करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन शायद उसकी ज़िंदगी ने उसका इम्तिहान लेना बंद नहीं किया था, उसके सामने मुश्किलों का अंबार खड़ा हो जाता है। एक मुसीबत से निकला नहीं कि दूसरी मुसीबत हाथ में माला लिए स्वागत के लिए खड़ी रहती है। पूरे सीरीज के दौरान कई सारे थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन क्लाइमेक्स में एक बड़ी मिस्ट्री का भी खुलासा होता है। सीरीज के मुख्य भूमिका में है अरुणोदय सिंह, माही गिल और मोनिका चौधरी। लेकिन अगर एक्टिंग की बात करें तो अरुणोदय सिंह अपनी एक्टिंग में थोड़ी और निखार ला सकते थे। स्क्रीन प्ले एंगेजिंग होने के साथ साथ प्रेडिक्टेबल भी है, आपको आगे होने वाली घटनाओं का आइडिया लगता रहेगा। इसके बाद बात करेंगे हॉटस्टार पर प्रदर्शित वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस। हालांकि इस सीरीज को काफी लोगों ने देखा है, उसके बावजूद ये भी उतनी सफल वेब सीरीज की लिस्ट में नहीं गिनी जाती जो लोगों की जुबान पर रहता है। लेकिन जैसे जैसे लोग इस वेब सीरीज को देखना शुरू कर रहे हैं, वैसे वैसे इसे लोकप्रियता भी मिल रही है। ये एक थ्रिलर सस्पेंस सीरीज है जो एक मर्डरर पर बेस्ड है कि वो खूनी है या नहीं। इस सीरीज में पंकज त्रिपाठी, जैकी श्रॉफ और विक्रांत मैसी जैसे कुछ पॉपुलर एक्टर ने काम किया है। देखा जाए तो पूरी कहानी बेस्ड है एक ऐसे लॉयर पर जिसको ना तो बड़े केसेस का तजुर्बा है और ना ही वो इतना बड़ा नाम है, लेकिन जिस प्रकार से पंकज त्रिपाठी ने इस किरदार को निभाया है वो निश्चित तौर पर उनके टैलेंट का एक और नमूना कहा जाना चाहिए। इस वेब सीरीज में हर एक एक्टर के पास काफ़ी स्क्रीन स्पेस था, लेकिन पंकज त्रिपाठी ने जिस तरह की छाप छोड़ी है वो बाकी के एक्टर्स नहीं कर सके। ऐसा नहीं है कि विक्रांत मैसी या जैकी श्रॉफ या दूसरे कलाकारों का काम अच्छा नहीं है, लेकिन जिस तरह से पंकज त्रिपाठी अपने किरदार में अलग से कुछ छोटे छोटे पोस्चर्स, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें ऐड करते गए कि उनका वो गरीब वकील का किरदार एकदम अलग दिखने लगा। स्क्रीन प्ले ज़्यादातर जगह अच्छा है, हाँ कुछ जगह स्क्रीन प्ले सुस्त ज़रूर हो जाता है, लेकिन कहानी पर पकड़ बनाए रखता है। बात करेंगे इरोज पर प्रदर्शित क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज द इन्वेस्टिगेशन की, जिसके लीड रोल्स में हैं हितेन तेजवानी, लीना जुमानी, आर्यमन सेठ और प्रकाश रामचंदानी। कहानी अगेन एक पुलिस ऑफिसर की है जिसके घरेलू रिश्ते टूटने की कगार पर हैं और ऐसे में एक ऐसा केस उसके सामने आता है जिसकी कड़ियां जब जुड़नी शुरू होती हैं तो ये पुलिस ऑफिसर भी इस गुत्थी के मायाजाल में कहीं फंस कर रह जाता है। फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है, स्क्रीन प्ले एंगेजिंग है, कुछ जगह कहानी धीमी ज़रूर होने लगती है लेकिन आगे के एपिसोड्स उसे कवर कर लेते हैं। सीन्स को रियलिटी के क्लोज रखा गया है, कहने का मतलब है घटनाएं बिलीवेबल लगती हैं। हितेन तेजवानी जो ज़्यादातर सॉफ्ट और रोमांटिक रोल्स करते आए हैं, इस बार एक टफ कॉप की भूमिका में इम्प्रेसिव नज़र आते हैं। बाकी के कलाकारों का काम भी अच्छा है, तो अगर ये थ्रिल वेब सीरीज आपसे मिस हो गई है तो आप इसे देख सकते हैं। बात करेंगे वेब सीरीज स्मोक की, जो कि गोवा के अंडरवर्ल्ड पर बेस्ड है। इस सीरीज में गुलशन देवैया, अमित सियाल, कल्की कोचिन और जिम सरफ के अलावा मंदिरा बेदी और टॉम अल्टर जैसे एक्टर्स ने भी अपनी प्रतिभा दिखाई है। अब क्योंकि ये कहानी गोवा और वहाँ के माफियाओं की है तो जाहिर सी बात है ड्रग्स वगैरह तो खूब सारा दिखाया ही गया होगा। डायरेक्शन अच्छा है, स्क्रीन पे थोड़ा घुमावदार है, एडिटिंग में कई जगह नए नए एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, सीन्स आगे पीछे करके दिखाए गए हैं जो एक तरीके से आपको अच्छा भी लगेगा। हाँ, बीच में कुछ देर को कहानी भटकने भी लगती है, लेकिन फिर भी अच्छे एक्टर्स की मौजूदगी काफ़ी सारी गलतियों को छुपा जाती है। ये सीरीज टॉम अल्टर के आखिरी के कुछ कामों में से एक है, तो अंडरवर्ल्ड क्राइम थ्रिलर कहानी देखने का मन बना रहे हैं और ये सीरीज नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें। इसके बाद हम बात करेंगे वेब सीरीज अफसोस की, जिसके मुख्य किरदार में है गुलशन देवैया, सुलगना पानीग्रह और अंजलि पाटिल। ये कहानी है नकुल की, जिसने खुद को कई बार मारने की कोशिश की लेकिन किन्हीं कारणों से वो हर बार बच जाता था। आखिरकार अपनी जिंदगी से मायूस नकुल एक ऐसी कंपनी से संपर्क करता है जो नकुल जैसे लोग जो खुद को मारना चाहते हैं
उनकी मरने में सहायता करते हैं। इस कंपनी को वो अपनी मौत का कॉन्ट्रैक्ट देता है और वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में एक साथ कई सारे साधुओं की हत्या और एक साधु का गायब होना वहां के पुलिस इंस्पेक्टर को मुसीबत में डाल देता है। कहीं से जब उसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि गायब हुआ साधु मुंबई में देखा गया है तो वो उसे ढूंढने मुंबई निकल पड़ता है। अब नकुल उस पुलिस इंस्पेक्टर और उस साधु के बीच किस तरह का कनेक्शन है ये सब जानने के लिए इस कहानी को आपको देखना पड़ेगा। इस कहानी को कितना रियलिटी बेस्ड कहेंगे ये आप पर निर्भर करेगा, क्योंकि सुपारी किलर वाली थ्योरी के बारे में मुझे नहीं पता कि इलीगली सही क्या ऐसी कोई कंपनीज होती है या नहीं। लेकिन इसके अलावा एक ऐसे अमृत का होना जिसे पीकर कोई भी मर नहीं सकता, इस तरह की कुछ फिक्शनल चीज़ें दिखाए जाने के बाद भी ये कहानी आपको बिलीवेबल लगेगी। स्क्रीन प्ले एंगेजिंग है, आपको कहानी के साथ जोड़े रखता है और आने वाली घटना को प्रेडिक्ट करने का मौका नहीं देता। तो किन्हीं कारणों से आपने ये वेब सीरीज़ अब तक नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम जानना चाहेंगे कमेंट के माध्यम से कि आपको ये वेब सीरीज़ वाला एपिसोड कैसा लगा, इनमें से कौन सी सीरीज़ आपने देखी है, कौन सी नहीं देखी है, ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन, मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए।